नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और ये वीडियो आपको मिलेगी, यह है 6 और 7 तारीख की दोनों की मिला के। तो अब जो मैं दिखा रही हूँ यह है 6 तारीख का शाम का वीडियो है। और इससे पहले मैंने मिठाई वगैरह बना ली थी, तो यहाँ जब मैं किचन में लगी हुई थी तो ये दोनों भाई लग गए हैं अपना सेटिंग करने में। जैसे मैंने आपको दिखाया है कि मंदिर हमने यहाँ पे सेट किया था, तो वो कैसे कैसे किया था, तो ये दोनों लगे हुए थे। मेरा तो पहले यही था कि अंदर ही कर लेंगे, वरना ये सोफ़े वगैरह सारे हटाने पड़ेंगे। इसके पापा बोले नहीं कोई बात नहीं, हम हटा देंगे और बाहर ही ठीक से अच्छे से खुले से में हो जाएगा, तो पूजा अच्छे से हो जाएगी। तो यहाँ देखिए दोनों भाई लगे हुए हैं, और अभी तो मैं इनकी हेल्प नहीं कर पाई क्योंकि मैं लग रही थी किचन में मिठाई बनाने में। तो सभी अपना पूरा पूरा रोल निभा रहे हैं सारे काम करने में, और सच में मेरी फैमिली सारी छोटे से बड़े बहुत अच्छे हैं, सभी हेल्प करते हैं। हम एक दूसरे के साथ एक दूसरे की हेल्प करके सपोर्ट करके तो जब भी सारा हम काम करते हैं। तो अभी ये दोनों भाई भी फ्री थे, तो ये कहने लगे लाओ मैं सोफ़े कर दूंगा, बाद में तू मंदिर देख लेना, जैसे जैसे तुझे सेट करना होगा उसी हिसाब से फिर लगा लेंगे, और अभी मैं और कन्हैया कर देते हैं। तो ये लगे हुए हैं, इन्होंने सोफ़ा इस साइड ही कर दिया, और इस साइड करके ये थोड़ा सा जगह ज़्यादा निकल जाती है। जो दूसरे जिस साइड पहले था उस साइड से तो थोड़ा लंबा है, और इधर जिधर किया इधर चौड़ाई ज़्यादा है हमारे इसकी घर की, तो उधर ये कम सा स्पेस लगता है। मतलब यूँ लगता है कि थोड़ी सी जगह में आ गया, मतलब काफ़ी स्पेस बच जाता है। तो यहाँ पे बस देखिए दोनों भाई अपना लग रहे हैं सेटिंग करने में, इधर से इधर खिसकाने में, और फिर ये भी आया तो इधर उधर करके ना, तो सफाई भी इनके नीचे आराम से हो जाती है। वैसे तो हो नहीं पाती, झाड़ू कितनी लगा दो इनको हटा के ही लगानी पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए जी लगा दिए, बाकी हम बाद में उधर ही लगाएंगे, क्योंकि अभी देखिए टीवी भी है तो इधर दीवान भी नहीं है, फिर बैठ कर देखने में थोड़ी दिक्कत रहती है। तो जब मतलब जन्माष्टमी के बाद मैं इनको फिर इधर ही सेट कर दूंगी। और यहाँ पे बस देखे दोनों कवर भी लगा रहे हैं अपना, लगे पड़े दोनों भाई पूरी मेहनत कर रहे हैं, और उधर इसके पापा लगाने लगे हैं झाड़ू। और झाड़ू लगाने के बाद बस फिर वे लगाएंगे पोचा, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि सोफों के नीचे हम रोज चाहे कितनी भी सफाई कर लो, लेकिन जो भी हम सामान इधर उधर हटाते हैं तो उसके नीचे थोड़ा बहुत गंदा हुआ ही रहता है। तो यहाँ इन्होंने झाड़ू तो लगा दी, अब उसके बाद लगाएंगे पोचा। और ये कॉर्नर इन्होंने कर लिया था खाली, क्योंकि जो हमारे यहाँ घर पे जो दिशा बनती है यही वाली बनती है सही, इधर वाले कॉर्नर में ही हम मतलब पूजा करते हैं। यो पूरब में ये जो दिशा हमारे घर की पड़ती है ये उत्तर और पूर्व पड़ती है, पूर्व दिशा और उत्तर दिशा पड़ती है दोनों। ये कॉर्नर हमारा अंदर भी रूम में हम वहीं पे ही करते हैं, क्योंकि जो पूजा करनी चाहिए वो पूर्व दिशा में ही करनी चाहिए, मतलब मुंह करके। तो ये कॉर्नर हमारा सबसे बेस्ट है, अंदर भी हम इसीलिए वहाँ पर करते हैं पूजा। बाकी तो देखो सबके, मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल सही बता रही हूँ इस बात को, सबका अपना अपना है कि कौन कैसा करता है अपने तरीके से। और बहुत जगह ऐसा भी होता है देखो, एडजस्ट भी करना पड़ता है, मान लो जगह किसी और हिसाब से फिर हमें ऐसे ही करनी होती है। तो जब मतलब हमारे यहाँ जो मानते हैं, मैं वो ही बता रही सिर्फ कि पूर्व दिशा में ही मुंह करके हम पूजा करते हैं। तो इधर देखिए ये टेबल ले आए हैं अंदर से खाली करके, जो मेरी वो थी ना ड्रेसिंग टेबल, जो ड्रेसिंग के सामने थी वो वाली है ले आई, वहाँ भी मैंने जुगाड़ी का रखा ही है। यह नहीं है कि ड्रेसिंग वो फिक्स नहीं है, वो जो मिरर है वो दुकान का था वो लगाया हुआ, उसके सामने ये टेबल रखी हुई थी, तो इसी पे ही सारा जो है ऑयल वगैरह जो भी सामान है ड्रेसिंग का वो इसी के ऊपर रखा था। तो ये उठा के ले आए उसको, और सारा सामान घेर आए बेड पर, वो भी मुझे सारा संगवाना, उसमें भी मेरा बहुत टाइम लग गया, वो फिर मैंने सारा किया था। तो मिठाई वगैरह बनाने के बाद फिर शाम को मैंने ये सारा सेट किया, सामान जो भी इन्होंने बिखेर दिया था, और मंदिर की भी थोड़ी सी सेटिंग करी थी, वो आपको दिखाई है पहली वीडियो में मैंने, जैसे जैसे शाम को थोड़ा सा कर दिया था जो भी सामान हमारे पास था उससे। और अब है देखिए ये सुबह का टाइम, नेक्स्ट डे मतलब कि तारीख का, मतलब 7 तारीख का जन्माष्टमी वाले दिन का सुबह ही मेरी पूजा पाठ सारी हो गई है, जो सुबह की मतलब डेली की होती है, जो रूटीन डेली रूटीन है हमारा। कान्हा जी को मैंने नहला के वो बिठा दिए हैं मंदिर में, वो मैंने आपको दूसरी वीडियो में दिखाया था पहले। और अब बस मैं करने लगी हूँ पूरे घर की क्लीनिंग, झाड़ू मैंने एक बार निकाल दी थी पूरे घर में सुबह ही नहाने से पहले,
तो यहाँ पे बस मैं, जैसा कि आपको पता है जन्माष्टमी है, तो जन्माष्टमी पे तो घर की साफ सफाई बनती है, तो ये मैं कर दूँगी सोफे के कवर चेंज। यहाँ पे ये ब्लू वाले लग रखे थे, बल्कि इसके पापा तो कह भी रहे थे कि रहने दें इनको ही, यही ठीक है। मैंने कहा नहीं, जब बदल रही तो मैं कहा आज त्योहार भी है, मैं कहा बदल दूँगी और अच्छे भी लगेंगे, फिर चेंज सा हो जाता है। एक थोड़ा सा मन में ये हो जाता है कि सब कुछ स्वच्छ हो गया, ये होता है, क्योंकि हम जैसा बेडशीट वगैरह चेंज करते हैं, सारा कुछ करते हैं, तो दिमाग में ये होती है कि सारी चीज़ स्वच्छ होगी और फिर उसके बाद मैं करूँगी सफाई। तो यहाँ पे देखिए मैंने पूरा सोफ़ा कर दिया है सेट, और अभी फिर हमारा मंदिर, मतलब अभी भगवान जी को हमने विराजमान नहीं किया था, उससे पहले ही मैंने पूरे घर की पहले सफाई करी, तब उसके बाद फिर मंदिर में मैंने जो मेरे कान्हा जी है उनको बिठाया था मंदिर में, जो बार बनाया, और क्योंकि ये उससे पहले की वीडियो है। तो यहाँ देखिए बाहर का जो एरिया मेरा बिल्कुल क्लीन हो चुका, मैंने कर दिया पूरा सोफ़ा सेट। अब बारी आती है अंदर वाले रूम की, तो यहाँ भी मैं बेडशीट वगैरह सारी चेंज कर दूँगी, दोनों रूम की कर दूँगी। ऑफिस की मैंने सुबह ही नहाने से पहले ही कर दी थी सफाई, वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे खाली था, कोई लेटा नहीं था, तो इधर लेटे हुए थे, इस वजह से सुबह मैं कर नहीं पाई, वरना तो पहले ही कर देती। तो यहाँ पे भी मैं बेडशीट चेंज करूँगी, वो जो है मेरी वो मैंने उतार दी है, और बच्चे होने लग रहे हैं रेडी दोनों, वो अपना तैयार हो रहे हैं। मैं कहा चलो जब तक बच्चे तैयार होते हैं मैं अपना सफाई कर लेती हूँ। और ये वाली बेडशीट आपको बता दूँ, ये मेरी शादी की बेडशीट है, जो मतलब जो शादी में बेडशीट वगैरह देते हैं ना लड़कियों को, मेरे मायके की है, और ये मैं कभी कभी डालती हूँ, और आज मेरे पास कोई नई सी ऐसी थी नहीं, तो थी दो तीन, तो वो लाइट कलर की वाइट सी जो पहले भी डाली आपने देखी होगी, तो मैंने सोचा नहीं ये सारी डाल ली, आज मैं ये डाल लूँगी। और ये कॉफ़ी कलर की है, मेरे बेड से बिल्कुल मैच कर रही है, आप देख रहे होंगे। और ये डाल के ना इतना सुंदर लुक आता है निकल के रूम का, बेड तो बहुत ही अच्छा लगता है, ये बेडशीट मुझे बहुत पसंद है अपनी। तो और इसको मैं कभी कभी, मतलब कुछ मेन फंक्शन होता है या कुछ फेस्टिवल होता है तभी मैं डालती हूँ। तो वो वाला रूम भी मेरा सेट हो गया, बाकी जो ड्रेसिंग की जगह मैंने वो टेबल वगैरह लगाई, उसमें मेरा काफ़ी टाइम लगा, टेबल हटा दी थी ना इसके पापा ने, तो फिर छोटे स्टूल पर रख के जो सामान मेरा ज़रूरी था वो मैंने सारा वहाँ पर एडजस्ट किया। अब उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ दूसरे वाले रूम में, यहाँ कन्हैया के रूम में, और यहाँ पर बस ये भी इसकी बेडशीट भी मैंने कर दी है चेंज। यहाँ ये मेरे पास थी, ये पहले भी बिछाई मैंने एक बार, ये भी मुझे बहुत सुंदर लगती है पिंक कलर की, और इसकी भी मैंने बेडशीट बिछा दी, पिल्लो कवर लगा दिया। और गुड्डू पता नहीं आ गई है, हाँ वो भी तैयार हो के, वो शायद कह रही है कि मम्मी मेरी कंघी कर दो और बस मैं फिर तैयार हो जाऊँगी। मैं कहा बेटे थोड़ा सा रह रहा है काम, वो कर लेती हूँ। तो ये देखिए जी, ये है मेरा, मैं इसमें वीडियो में आपको बता रही हूँ कि जैसे मैंने पूजा का काम किया अपना सारा, उसके साथ साथ फिर मैंने घर का भी किया है सारा सेट, मतलब साथ साथ ही मैं अपने घर का भी करती रही। सभी ऐसे ही करते हैं, ये नहीं है कि मैं ही कर रही। और यहाँ पे बस फिर मैंने उस वीडियो में कुछ भी आपको ऐसा काम नहीं दिखाया, मैं पूजा की दो तीन मैंने बस में पूजा की रखी थी, बाकी जो मेरे पास सूट किया हुआ था वो फिर मैंने सोचा इसकी चलो मैं अलग ही वीडियो बना देती हूँ। तो जी जितना ज़रूरी वो था, ये भी सारा ज़रूरी है, पूजा के साथ साथ करना काम, घर का भी करना बहुत ज़रूरी है, ये भी इसको भी करे बिना काम नहीं चलता, तो उधर मेरा वो भी काम चल रहा था और इधर ये भी। तो फिर सुबह का जो हमारा पूजा पाठ है वो हो चुका है। अब उसके बाद देखिए मैं बना रही हूँ खाना, खाना लगभग 11 ही बजे थे, तो मैंने 11 बजे ही बना दिया था बच्चों के लिए, कन्हैया के तीनों यही खाएंगे। और 11 बजे मैंने इसलिए बनाया क्योंकि सुबह कन्हैया ने तो ब्रेड खा ली थी, और ईशु ने तो खैर व्रत रखा था, ईशु ने खाना नहीं खाया, ईशु शाम तक व्रत रही, और गुड्डू ने नहीं खाए ब्रेड, तो उसकी वजह से फिर
मैं थोड़ा जल्दी बनाने लगी खाना, मगर वो खा लेगी वरना तो भूखी रहेगी। उसका तो रोटी चाहिए कुछ भी ना दो, उसको रोटी चाहिए होती है, रोटी से ही उसका पेट भरता है। मगर इसको दवाई भी लेनी, फिर मैंने सोचा चलो अभी मैं सब्जी रोटी बना दूँगी, बाकी थोड़ी रोटी बना दूँगी, थोड़ी सब्जी अभी बना ली, फिर दोपहर को जब खाएँगे तब सेक दूँगी। तो यहाँ बस मेरा काम कंटिन्यू चल रहा है, उधर का भी और इधर का भी, मैं दोनों तरफ ही देख रही हूँ कि ये सारे को ही देखो लेके साथ चलना पड़ता है। ये नहीं है कि हम एक काम करो एक छोड़ दो, ऐसा भी हम नहीं कर सकते, लेडीज कोई भी नहीं कर सकती, सारे को ही लेके एक साथ चलना पड़ता है। तो उसी तरीके से मैं भी एडजस्ट करने का पूरा कोशिश करती हूँ, हर काम को सेट करने की, सेट मतलब अच्छे से लेकर चल पाऊँ, वही मेरी थोड़ी सी कोशिश रहती है। तो खैर जी, बस इस वीडियो में इतना ही। आपको कैसी लगी है मेरी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।